CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम स्वच्छता से सेहत। रानी, अरे अरे रानी, तुम क्या यहाँ बैठी कर रही हो? चलो चलो, स्पोर्ट्स टीचर ने आज नई किट निकाली है, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है बैडमिंटन खेलने का। चलो चलो, जल्दी उठो। सीमा, मेरा खेलने का मन नहीं है, तुमको खेलना है तो तुम जाओ। मन नहीं है, ये क्या बात हुई? वैसे तो तुम मुझे खींच खींच कर ले जाती हो, और आज तुम्हारा मन नहीं है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, कोई नखरे नहीं चलेंगे तुम्हारे। सीमा, मैंने कहा ना, तुम मुझे और परेशान मत करो। अरे अरे रानी, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? हैं, आज तुम्हें इतना गुस्सा किस लिए आ रहा है? मैंने तुम्हारा क्या किया? अरे तुम खेलोगी कूदोगी तो दिमाग से भी मेरी तरह स्वस्थ रहोगी। अब चलो जल्दी, तुम्हें पता है सारे बच्चे खेल रहे हैं, एक हम ही दोनों यहाँ पे हैं, जल्दी चलो। सीमा, क्यों इतनी जिद कर रही हो? मेरा पेट। ओह रानी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं? अरे धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो सब मेरा मजाक बनाएंगे। तो क्या दाग के डर से तुम पूरा दिन ही सीट पर चिपकी रहोगी? अभी तो एक ही दाग लगा है, छुट्टी के समय तक तुम्हें और दिक्कत हो सकती है। ऐसा करो, अब तुम मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? तुम बिल्कुल चुप रहो और चलो मेरे साथ। अरे चलो ना। अरे लेकिन कहाँ लेकर जा रही हो? लेके जा रही हूँ ना, चुपचाप चलो तुम। देखो ये किट आज तुम्हें दी जा रही है, इसको संभाल के रखना। अगर इसमें से कोई भी चीज मिसप्लेस हुई ना तो फाइन लग जाएगा तुम्हारे पर। चलो जाओ जाओ, चलो जाओ। विजय सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? सीमा आओ अंदर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। दर्द है तुम्हें? मुझे कहीं दर्द नहीं है सर, वो रानी। अरे अंदर आओ ना रानी। अरे सर, वो रानी इसे। हाँ हाँ बताओ, रानी को क्या? सीमा सर, वो आज अचानक से रानी को क्लास में पीरियड शुरू हो गए, और सर इसके स्कर्ट में दाग लग गया, और इस वजह से ये सीट से उठने से डर रही थी। और मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मैं इसे आपके पास ले आती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। रानी बेटा जी, तुम इधर आओ, परेशान मत हो, आओ जी। हाँ यहाँ बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने तुमको ये सब बात करने में अजीब सा लग रहा होगा, पर मेरे घर में भी दो बेटियाँ हैं मेरी, और मैं उनसे अक्सर ये सब को लेकर बातचीत करता रहता हूँ, ताकि जब वो कभी बाहर लंबे समय के लिए जाएं तो वो अजीब महसूस ना करें और वो कॉन्फिडेंट रहें। अच्छा, क्या तुम्हारे पास में इस दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला सैनिटरी पैड नहीं है? सर वो मुझे पहली बार ऐसा हुआ है, तो इस सब के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सीमा, वो अलमारी में एक सफ़ेद बैग रखा है, जाके अलमारी को खोलो और लेके आओ। जी सर, अभी लेके आती हूँ। पर सर, ये दाग सब देखेंगे तो मजाक बनाएंगे ना। कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, और इसमें इतना परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों में आम है। ठीक है, अभी मैं तुमको ये एक पैड दे रहा हूँ, इसे टॉयलेट में जाकर अपने अंडरवेयर में लगा लेना। ठीक है जी। सर ये रहा, लीजिए। ये लो, इसको ले लो। ठीक है जी। जी सर। सीमा थैंक यू। वेलकम सर। अच्छा सीमा, तुम ये भी देख लेना कि आगे तुम्हारे काम भी आएगा। इस पैड के पीछे से इस कागज को निकालना है और इसे अपने अंडरवेयर पर ऐसे लगाना है। रानी, स्कर्ट के दाग को बाथरूम में साबुन से साफ करके तुम वापस मेरे पास में आना। जी सर। सर मैं भी रानी के साथ जाऊं? हाँ हाँ जाओ। ठीक है सर। जाओ जाओ। थैंक यू सर। वेलकम। सीमा। विजय सर के पास मुझे ले जाने के लिए थैंक यू। उन्होंने हमें कितने काम की बात बताई है, अगर तुम जिद ना करती तो आज मैं सीट पर पता नहीं कब तक बैठी रहती, और क्लास में सब दाग देखकर मेरे ऊपर हंसते। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था,
रानी तुम्हें पता है ये सर ना बहुत अच्छे हैं, ये हमेशा हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और हमारी सारे परेशानियों का हल निकालते हैं। और तुम्हें पता है मैंने कई बार उन्हें बड़े लड़कों और लड़कियों से पीरियड्स के बारे में बात करते हुए भी सुना है, और वो हमेशा यही कहते हैं कि इसमें कुछ छुपाने जैसी या शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मैं तुम्हें सर के पास लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि विजय सर के पास इसका जरूर कोई ना कोई हल होगा। सर हम अंदर आ जाए। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। रानी जी, तुमने अच्छी तरह से दाग साफ कर लिया ना? जी सर। तो अब तुमको पैड का इस्तेमाल करना तो आ गया होगा? यस सर, मुझे भी समझ में आ गया। रानी तुम चुप क्यों हो? क्या तुम अभी भी परेशान हो या मुझसे शर्मा रही हो? नहीं सर, बस मैं ये सोच रही हूँ कि माँ से क्या कहूँगी। मेरा मतलब अभी तो आपने पैड दे दिया, पर घर में क्या कहूँगी, कैसे बात करूँगी उनसे? अरे इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। माहवारी यानी पीरियड्स महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा है, जो 8 से 14 साल की उम्र के बीच में शुरू हो जाता है। ऐसे में सैनिटरी पैड का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। लेकिन सर अब पैड का खर्चा भी हमारे खाते में और जुड़ गया, लेकिन ये खर्चा हर महीने कौन करेगा? देखो सीमा, वैसे तो पैड का इस्तेमाल करना ही सेफ है, पर अगर घर में पैड नहीं है या किसी वजह से कोई हर बार पैड नहीं खरीद सकता, तो वो साफ सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, पैड हो या सूती कपड़ा, हर 4 से 6 घंटे में इसे बदलते रहना जरूरी है। पर सर इतना कपड़ा कहाँ से आएगा? देखो रानी, अगर कपड़े की दिक्कत हो तो फिर से उसी कपड़े को इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर से? हाँ, ध्यान से सुनो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ। दोबारा इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साबुन लगाकर साफ कर लेना, फिर नमक के गुनगुने पानी में धोने के बाद ऐसी जगह उसे सुखाना जो साफ हो और जहां धूप अच्छी तरह से आए। इसके बाद कपड़े को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना झंझट? देखो कपड़ा नमी व गंदगी की वजह से संक्रमित हो जाता है और उससे बीमारियां होती हैं। महिलाओं को दूसरों के साथ साथ अपने शरीर की स्वच्छता का खास ख्याल रखना चाहिए, और खास तौर पर माहवारी के दौरान। पर सर इस तरह खुले में ये कपड़ा डालेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और माँ वो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। लोगों की वजह से या कोई गुस्सा होगा इस वजह से, क्या तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगी? देखो या तो हर बार नया कपड़ा या नया पैड इस्तेमाल करो, या फिर जैसे साफ सफाई रखने को कहा गया है उसे फॉलो करो। और हाँ, कपड़े के झंझट से बचने के लिए ही मैं बार बार कहता हूँ कि पैड का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये सुरक्षित है और इसको निपटाना भी आसान है। बस इस्तेमाल के बाद इसे किसी कागज के बैग में या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में डाल दो। और हाँ एक बात और, इस दौरान हर रोज नहाना चाहिए और निजी स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। जी सर, लेकिन हम तो रोज नहाते हैं और कितनी सफाई रखनी पड़ेगी? हाँ तुम रोज नहाते हो, पर इस दौरान शरीर से जो खून निकलता है उसकी वजह से जननांगों में नमी रह जाती है और कीटाणु पैदा होने का खतरा ज्यादा बना रहता है, और यही कीटाणु इन्फेक्शन यानी संक्रमण की वजह बन जाते हैं। अच्छा, इसलिए आपने पैड या कपड़े को हर कुछ घंटों में बदलने को कहा था, है ना? हाँ, अब तुम सही समझी हो रानी। देखो हर 4 से 6 घंटे के बीच पैड या कपड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक बना रहेगा और दूसरा आप खुद भी साफ महसूस करेंगे, गीलापन महसूस नहीं होगा, इचिंग नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात हीन भावना पैदा नहीं होगी, और किसी से मिलने जुलने में शर्माओगे नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से मिलोगे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, वरना गीलापन और दाग लगने का डर तो मुझे सीट से उठने ही नहीं देगा। इसके साथ साथ जब भी कपड़ा या पैड बदलो तो उसका सही निपटान करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ आपका बल्कि दूसरों का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। जी। अच्छा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, इस्तेमाल किए गए पैड या कपड़े को खुले में बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। इनको कागज के बैग या अखबार में लपेटकर कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ताकि कोई जानवर कूड़े में से निकाल कर इनको फैलाए नहीं और आसपास गंदगी ना फैले।
यदि हम खुले में इसे फेंकेंगे तो मक्खियां इस पर बैठेंगी और गंदगी हमारे घरों तक लाएंगी। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि अगर हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। जी हाँ, इस दौरान ठंडे पानी की जगह गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, ठीक है, ताकि शरीर में हो रही थकान और दर्द से आपको राहत मिले। सर, ये तो आपने हमें बहुत ही काम की बात बताई है, पर सर, जिनके यहाँ पानी की कमी है वो क्या करेंगे? ये सवाल तुमने एकदम जायज किया है रानी, लेकिन सफाई रखनी तो बेहद जरूरी है। तो पानी की कमी होने की सूरत में आप क्या कर सकते हैं? सोचो। क्या कर सकते हैं? ऐसे में हर रोज साफ कपड़े पहनो, पैड या कपड़ा टाइम से बदलते रहो। साथ ही सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी शौच करो तो पानी से सफाई जरूर करो और अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करो। जी। स्कूल में तो तुम अपनी निजी सफाई पर ध्यान दे ही सकती हो ना। जी। यहाँ तो पानी भी है और साबुन भी। हाँ सर, स्कूल में तो हम ये सब आसानी से कर सकते हैं और अपनी साफ सफाई का ध्यान तो रख ही सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर हमें इतना सब बताने के लिए। अगर मेरी माँ भी मुझसे इस बारे में ऐसे बात करें तो शायद मुझे इस सब को लेकर इतनी असहजता महसूस ना हो। कोई बात नहीं, मैं आने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक में उनसे जरूर बात करूंगा। चलो अब तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ, और हाँ, कभी भी कोई परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर, बाय बाय बाय। स्वच्छता से सेहत, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष आभार राजेश कुमार निमेश, निर्माण मार्गदर्शन वंदना अरिमर्दन, कलाकार बावला कोचर, मेघा शर्मा और अंजलि शर्मा, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन मीनाक्षी कुकरेती, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।